हेलो फारूक। हाँ अली भाई, इमरान की सारी डिटेल मुझे मिल गई है। तो आप एक काम कीजिए, आप सीधे इस्लामाबाद आ जाइए। इमरान के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वो अली भाई मिल गया। कैसे हो साहब? तुम लोगों ने मुझे पकड़ कर बहुत बड़ी गलती की। तुझे पकड़ के गलती हमने नहीं की, तुझे पंगा लेने से पहले सोचना था। मुझे पकड़ने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, मुझे फांसी पे लटकाने का सोच रहे थे ना, उस वक्त क्या ये सब सही था? चलो बताओ मुझे। ये देश मेरे लिए एक माँ की तरह है, तुम्हारा जन्म एक वायरस की तरह है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुझे पता है हम सब किस रास्ते पे चलते हैं? कुरान के। तूने कुरान से कुछ और चीजें सीखी, मैंने उसी कुरान से कुछ और चीजें। मेरा मानना है जो हम समझते हैं वही सबको मानना चाहिए। ए इमरान, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इस्लाम तुझे कभी माफ नहीं करेगा। इंडियन एम्बेसी को पता चल गया ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। रुक। ओके भाई, गुड बाय अली साहब, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं। पैसों की तंगी चल रही है। जानता हूँ जनाब, हमारा प्रधानमंत्री मीडिया के सामने देश के आर्थिक विषय पे बात करने के बजाय भारत के आर्थिक व्यवस्था पे बात कर रहा था। समझता है कि हम सब कीड़े मकोड़े। अब छोड़ो भी, ये बात तो सबको मालूम ही पड़ गई है। अब हमारा टाइम आ चुका है, हम प्रधानमंत्री को झूठा साबित करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए भारत को कुचल के रहेंगे। बॉर्डर पर हम उनका कुछ नहीं कर सकते, अब हम क्या करें? हमें युद्ध के बारे में सोचना होगा, हमें भारत को निस्ता नाबूद करना होगा। मेरे प्लान के बारे में आपको मेरे आदमियों ने बताया होगा। सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैच फिक्सिंग के लिए इन्वेस्टर्स तैयार करो। Sure. और वैसे मेरे पास 10 करोड़ तैयार हैं भारत को खत्म करने के लिए। मसूद भाई, हम जब भी मिलते हैं इंडिया में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, तो इस बार भारत के कौन से स्टेट में कांड करने वाले हैं? कोई कांड नहीं करेंगे। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इमरान? बोलो भाई, क्या करना है? तुम बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं सबको तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। वो सब तो ठीक है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जब इमरान ने हमें यहाँ बुलाया है तो कोई तो राज जरूर होगा। सब लोगों को जवाब दूंगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार क्या है? ये सब मजहब मुल्क और लोगों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। इमरान, जितने पैसे पूरे साल के त्योहारों में खर्च होते हैं उतने पैसे क्रिकेट के एक मैच में खर्च होते हैं। यहाँ तकदीर बदल जाती है। That's true. एक वक्त था जब टेस्ट मैच खेलता था, लेकिन अब वनडे खेलता हूँ, और अब तो बहुत क्रिकेट खेले जाते हैं, DPL, IPL। पैसों की तो जैसे बरसात होती है। दुनिया में कई देश क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया में क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूछते हैं। उसका नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। एक वक्त में धोनी और सचिन था, पर अब विराट और रोहित शर्मा बंदूक के बिना बैट से ही बॉलर्स को उड़ा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी तो उनसे खौफ खाते हैं, इसलिए उनके फैंस उन्हें भगवान मानते हैं। वे अपने प्लेयर्स पे जितना खर्च करते हैं उतना त्योहार पे नहीं, और इसीलिए उनके सारे प्लेयर्स हमेशा टॉप पे रहते हैं, और हमारे प्लेयर्स उनके आसपास भी नजर नहीं आते। ग्राउंड पे उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स को चित कर देते हैं। तो फिर क्या करें? IPCL को हम लोग रोक सकते हैं क्या? सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जब हम मैदान में उतरेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इंडिया में कल से IPL शुरू होने वाला है, कम से कम 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। किसी एक टीम की फ्रेंचाइजी हमें लेनी चाहिए, फिर हमारी मर्जी चलेगी। एक टीम से भला हम क्या कर सकते हैं? हाँ सही कहा, एक टीम से हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम 2 टीम बना के इंटर करेंगे और बाकी के टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे। वो हमारे कहने पे चौका मारेंगे, हमारे कहने पे छक्का मारेंगे, और हमने आउट कह दिया तो आउट, नो बॉल चाहेंगे तो नो बॉल। उनका हर एक मैच हमारे हाथों में होगा। IPCL की दौलत, शोहरत सब पे हमारा कब्जा होगा, और उसके बाद PCL ऑटोमेटिक टॉप पे चला जाएगा। तुम्हारा प्लान पूरी तरह काम करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या बोला? दोबारा बोल के दिखा। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? जो प्लान बनाया है सोच समझ के बनाया है। अगर किसी ने मेरे प्लान पे उंगली उठाई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सेट हो चुका है, संभालने के लिए चेन्नई में दीक्षित है। Hey, 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 hey.
अब आप जो देखेंगे उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है वो अब जानेंगे। लाइट्स ऑफ। इसका नाम है इमरान। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ इमरान के संबंध हैं। वाइजैक से लेकर चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के साथ साथ पूरे देश में वो अपने इलीगल काम को अंजाम देता है। अभी वो कहां पर है सर? पाकिस्तान में। जब से इमरान पाकिस्तान पहुंचा है तब से उसका इलीगल धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका कारण है उसका भाई सलीम। हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि सलीम हमारी चेन्नई पुलिस को चकमा देकर वाइजैक में कहीं छुपा है। गौर करने वाली बात यह है कि सलीम अब किस वेश में है ये किसी को नहीं पता। वैसे अब वो कहां पर है सर? यही तो हमारा सबसे बड़ा टास्क है। अगर हम सलीम को पकड़ लेंगे तो इमरान अपने आप यहां आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सलीम। जब तक सलीम यहां है ये शहर खतरे में है। आप सभी की अपेक्षाओं को शालीनता से हम पूरा करेंगे। न्यू कॉलोनी से आई हुई हमारी टीम और गेट सेंटर से आई हुई दूसरी टीम कैसे खेलती है देखते हैं। ए, मैच मुस्तक आने मत देना, तुम लोग ही खेलना। बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर तुस्तक मैच आया भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ए, मैं खेलूंगा तो तुम्हें खेलने का मौका नहीं दूंगा, इसलिए मैंने अपना त्याग कर दिया। इसे जल्दी से मैच जिताने को बोल, मेरा टेंशन बहुत बढ़ते जा रहा है। सुन, वही हमारा टारगेट है, वो नशे में है, उसे कैसे भी आउट करना होगा। हमारा ही होगा। हमारा है और लटका हुआ मुंह इनका। लटका हुआ मुंह?
ए, अब मेरा मुंह नहीं लटकेगा, तेरा मुंह लटक जाएगा। रुक जा, क्या कर रहे हो? ये मारपीट क्यों कर रहे हो? अबे गेंडे कहीं के, तू बीच से हट। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब मैं बाबू राव को बोलकर तुझे पिटवाऊंगा। तेरा बाबू राव मेरे यहाँ पे, तेरी तो हट। तेरी तो इस स्टेशन में आज मेरा लास्ट डे है। लोग एक जगह से ऊपर के स्थान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सालों से तुम्हारी वजह से वो सब रुक गया। अब ये बताओ कि मैं तुम लोगों की सेवा किस अंदाज में करूं? तुम्हारी वजह से ही मैं आज तक यहाँ रुका हुआ था। अब आप क्या करोगे सर? इधर आधा घंटा हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। अब तो छोड़ दो सर, जाने दो। अरे तू चुप बैठ, मर जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। आजकल फेसबुक से अच्छा टिकटॉक में अच्छे व्यूज आते हैं, अगर आप छोड़ दोगे तो हम घर जाकर टिकटॉक बनाएंगे। कैसे छोड़ दूं कमीनो, तुम्हारी वजह से तो मेरी इज्जत धूल मिट्टी में मिल गई। जब तक तुम लोगों को कुछ सजा ना दूं, तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आपकी कौन सी इज्जत है? हाँ, आपको पता भी है एक टिकटॉकर की कितनी इज्जत होती है। बस एक बार आप टिकटॉक की दुनिया में आ जाइए सर, वहाँ आपको सही इज्जत मिलेगी। आपकी पोस्ट चाहे कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पर आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। एक छोटे से पत्थर से आपके सनग्लासेस का कांच टूट गया, तो आप इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? सुपर यार, बहुत बढ़िया का। बस एक वीडियो सर टिकटॉकर के साथ बनाइए सर, करियर बन जाएगा सर। मुझे एक बात तो साफ समझ में आ गई है कि अब तक मेरे काले दिन इस काले चश्मे की वजह से शुरू हुए हैं, तो आज से ही तुम सबका ब्लैक डे शुरू होने वाला है। ब्लैक डे, लेडी कॉन्स्टेबल्स। यस सर। एक महिला सिर्फ महिला नहीं होती है, वो आदि पराशक्ति होती है। आज तुम लोग दिखा दो कि महिला शक्ति क्या होती है। लाठियां इन पर बारिश की तरह बरसाना और सारी बारिश की बीमारियां इन कमीनों में फैला दो। जहां नहीं मारते वहां पर मारो, लेकिन किसी भी हाल में रुकना मत, थकना मत, हारना मत, धनाधन मारते चले जाना। पूरी बॉडी की जबरदस्त बारिश होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट योर ताबड़तोड़ बारिश। वो कमीनों ने पैर में घुस गया। हरकत देखो, बेवकूफ नहीं का। अरे ये पैर पकड़ रहा है, पैर के साथ कुछ और भी कर रहा है। ये क्या है सर? वहाँ उन लोगों को छोड़कर आप हमें क्यों उठा कर लाए हो? तू बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कुछ ज्यादा ही बज रहा था, इसीलिए। हमारा बैकग्राउंड क्या है सर? क्यों, क्या हुआ, कुछ नया बदलाव हो रहा है क्या? हाँ सर। ओ अच्छा, ना मर्दों की तरह क्या मार रहे हो? ऐसे मारा जाता है क्या? इस कमीने को ऐसे पटक कर धो जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। बहुत चर्बी पड़ती है कमीने की, चर्बी उतार दो इसकी अच्छी तरह। ए, क्यों रे, उधार लेते टाइम आराम से लेकर गया था, अब देने की बारी आई तो मेरे सामने बहाने बना रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा। एक बात ध्यान से सुन ले, पैसों पर जो ब्याज है सिर्फ उसी की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ। अगर पैसे नहीं मिले ना, तो इधर देख, आजकल टीवी पर जो दिखा रहे हैं ना, किडनी का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, तेरी दोनों किडनी बेचकर दान कर दूंगी मैं। उसके बाद बिना किडनी के यहाँ वहाँ भीख मांगते फिरना। तो मामला ये है, जाकर अपना काम कर। ओके सर। बोका बाबू, नमस्ते बोका भाई। नमस्ते, आइए। नमस्ते साई साहब, होने वाला कॉर्पोरेटर, नाम है बोका बाबू। तो उस बोका का क्या करूं? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे रे रे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या बोक्का बाबूराव जी? गलत कुछ नहीं है सर, गलती मेरी और वो मेरे सब ठीक है। मामला क्या है वो बताओ। बोक्का बाबूराव जी मेरे लड़के हैं सर, आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं। ये लोग उस तरह के नहीं कि मैंने देखकर भी अनदेखा कर दूं। बोक्का बाबूराव जी, मेरे इस प्यारे से चश्मे की इन्होंने माँ बहन एक कर दिया। बोक्का बाबूराव जी, आप एक नया खरीद लीजिए और ये पैसे भी ले लीजिए, ये रख लीजिए सर। ये किस बात के लिए दे रहे हैं आप मुझे? आप मेरे लड़कों को रिहा कर दीजिए, छोटा सा गिफ्ट है सर।
अगर मेरे डिपार्टमेंट में पता चल गया तो वो आपकी तोंद में नहीं बोक्का बाबू राव जी, मेरी तोंद में छेद कर देंगे बोक्का। इसे उठाकर आप अपनी जेब में डालो बोक्का बाबू राव जी। आजकल फोन पे गूगल पे है, मैं उसका नंबर भेज दूंगा आपको, आप उस पे पेमेंट कर देना बोक्का बाबू राव जी। अरे क्या तुम अब भी यहीं खड़े हो? अपने इन कमीनों को ले जाओ यहाँ से बोक्का बाबू राव जी। थैंक यू सर। ए चलो रे, चाहे जो भी हो कंटेंट जबरदस्त बना है। तुझे कंटेंट की पड़ी है और यहाँ सारी हड्डियाँ टूट गई हैं और तुझे टिकटॉक की पड़ी है। अबे तू क्या समझेगा टिकटॉक क्या होता है? अरे ये क्या, इसका पिता आ गया? ये क्या है बुक्का बाबूराव, तेरी उम्र क्या है और तू कर क्या रहा है? इन लोगों में तो अकल नहीं है, लेकिन तुझमें तो कम से कम अकल है। अब ये नहीं छोड़ने वाला। सुना है तू कॉर्पोरेटर बनने वाला है? इस जन्म में तो कुछ नहीं बन पाएगा, ना ही ये लोग सुधरेंगे। हेलो, हाँ बुक्का बाबूराव बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ना तुझे कोई बुलाता है ना तू किसी के काम आता है, फिर भी टशन देखो जरा इसके। क्यों रे, जहाँ तुझे किसी एसी रूम में काम करना चाहिए था वहाँ तू ये सब कर रहा है? इन सब के साथ घूमेगा तो जिंदगी भर पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ गया ना? चला बैठ। मुझे सबसे ज्यादा मारा यार, कितने फॉलोअर्स? तुम्हारे बेटे ने क्या किया जानती हो? तूने फिर से क्या किया? क्या हुआ है इनसे ही पूछो। और क्या करेगा, सबने मिलकर मारपीट की, फिर एसआई की गाड़ी तोड़ दी। जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ गलती से हो गया। हाँ तो फिर से जाकर वही गलती करना। माँ गलती उसकी है। वैसे उसने क्या गलती की, बस क्रिकेट ही तो खेलने गया था। देखो माँ इनसे कह दो क्रिकेट के बारे में कुछ ना बोले। मेरी बात सुनो, 11 बेवकूफ खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ देखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है। क्रिकेट इज जस्ट नॉट अ गेम इन इंडिया, इट्स अ रिलीजन। दैट्स व्हाई डेवलप्ड कंट्रीज नेवर प्ले क्रिकेट। इसके पास हर सवाल का जवाब होता है। ये सब क्या है? कुछ भी बोलते रहते हैं ये तो। ए, तू ऐसे क्यों करता है हा? तेरी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। माँ क्या हुआ? भैया तो हीरो है। और वो क्यों, ऐसे मार खाने के लिए? नहीं, आप वो देखिए, मेगास्टार चिरंजीवी की कैदी फिल्म, जो एक टाइम में एक मामूली आदमी हुआ करता था और पुलिस स्टेशन जाके हीरो बन गया। अगर जिंदगी में हीरो बनना है तो पुलिस से लड़ना भी पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। भैया तो ग्रेट है यार। सही कहा, हीरो मैं हूँ और विलन वो है। तू ना, एक तू क्रिकेट का दीवाना है और ये फिल्मों की दीवानी, तुम दोनों के बीच में हम पति पत्नी पिस रहे हैं। अरे रे, तुम्हारे पापा का टिफिन रेडी करना है, तुम दोनों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। अरे रे सुनो। हाँ आ रही हूँ। जाकर समझाओ उसे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आईपीएल T20 जैसा खेल ग्रैंड सक्सेस हो गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसकी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए अब हम IPCL T20 लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस लीग में 10 फ्रेंचाइजीज होंगे। कोविड की वजह से हम इस लीग को वाइजेग, हैदराबाद और चेन्नई में आयोजित करना चाहेंगे। इस डर के माहौल में मैच को हम ज्यादा नहीं बदल सकते, ये डिसीजन सही है। सर हाँ, ये क्या तीन जगह पर ही होंगे? ये सिर्फ तीन जगह पर ही होंगे। ओके सर। इस बेट में फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे क्या, आईपीएल की तरह? यस। ओके सर। यस यस, ऑलरेडी अनाउंस रेट कंफर्म हो गया सर। जी, एक मंथ का टाइम है सर। ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है, कोविड के सिचुएशन में ये तीन शहर ही सही है। ऑलरेडी टिकट बिक चुके हैं सर, हम चेंज नहीं कर सकते। हम 50% ही ऑक्यूपेंसी रखेंगे। इस डर के माहौल में हमें ही सब संभालना होगा, फॉरेनर प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं। या 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 जी, या यू आर राइट। हाँ भाई। कैसे हो बेटा? आपकी और अल्लाह की दुआ से मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी बैड मॉर्निंग। माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी कंपनी को जो प्रोजेक्ट दिया था उस पर बहुत मेहनत की, बट आर बैड लक, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन हमारी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन की वजह से वो डील हमें फिर से मिल गई है। सो गाइस, अब चाहे जो भी हो, बस वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे? मेरे एनालिसिस के हिसाब से कुछ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लाइक वरुण, लेकिन कुछ काम की जगह गेम्स खेल रहे हैं।
स्पेशली यू रामप्रसाद। रामप्रसाद मैडम, यू आर दी वन हु इज डैमेजिंग एवरी प्रोजेक्ट। यू आर जस्ट डूइंग यूजलेस वर्क, नथिंग एल्स, ओनली फॉर योर ड्रीम्स। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो बेसिक नॉलेज। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ यू पास्ड बीटेक। जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स, अदरवाइज आई विल टेक सीरियस एक्शन। अंडरस्टैंड? यूजलेस। हे, मैडम की गालियों का बुरा लग रहा है क्या? नहीं तो नहीं, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। फर्स्ट बैटिंग हो चुकी है, अभी सेकंड बैटिंग स्टार्ट है। बहुत कम स्कोर बनाए, लगता है जल्दी चेज हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं जीते ना तो सब गया समझो। अरे ये बॉलिंग वाला विकेट है, 135 चेज करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है तुझे बॉलिंग पे बैटिंग लगानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, पक्का जीतेगा। जीत गए यार। छेड़ेगा तू? खुले आम लड़कियों को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? दोबारा लड़की पे नजर डालेगा? बोल। सॉरी भाई, सॉरी बोल रहा भाई। सॉरी मुझे मत बोल, जाकर उनसे बोल। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो। ओके ना भाई? नमस्ते मैडम। चल निकल। सुपर। ये सब क्या है अम्मू, इतने खूबसूरत चेहरे के साथ पब्लिक प्लेस में आ रही, वो भी बिना हेलमेट के? लड़के तो छेड़ेंगे ना फिर। चलो अभी मैंने तो संभाल लिया, अगर कहीं मैं नहीं होता तो पता है फिर क्या होता? हटो ना। श्री राम। अरे बाबू भाई, आप यहाँ पर कैसे? मैं तो बस तुझे ऐसे ही ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आने वाली गणेश पूजा की बात करनी थी, चलो अपने गेस्ट हाउस में बैठकर बात करते हैं। हाँ, चलो। ए, चलो चल, यस। सब रेडी है? मुझसे और सबर नहीं हो रहा है। ये क्या बोका तुम रो रहे हो? इससे पहले तो तुम दबाकर पी रहे थे। सुन रे, अमावस की काली रात के जैसा तेरा चेहरा है, यूथ की स्पेलिंग भी समझ में नहीं आती। सड़क पर जैसे लोग भीख मांगते हैं वैसी तेरी हालत है। अरे इन्होंने तो सब जितना भी पीऊं सब बेकार हो जाता है। वैसे बोका जी, एक बात बताइए मुझे, आपने मुझे ढेर सारी गालियाँ दी, मेरे चेहरे का एंगल बताया। यार तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आजकल मैं बड़ा फेमस हो रहा हूँ। हाँ तू कह सकता है, वैसे लात भी तुझे ही पड़ी थी। हेलो हेलो, टॉपिक चेंज, तुम्हारा भाषण मुझे पसंद नहीं है। बाबू भाई, आपको किस चीज की कमी है? मुझे किस चीज की कमी है? सब तो है मेरे पास। हिंदी, हिंदी में बात करो यार। फारसी में बोल रहा हूँ। बाबू भाई, आप हिंदी में बात कर रहे हो, मगर ये बाबू नाम आपके एक्सप्रेशन में दिख नहीं रहा है। पिछले 7 सालों में सुबह का नाश्ता आप खिलाते हैं, दोपहर का लंच आप खिलाते हैं, रात का दारू चखना आप खिलाते हैं। अरे गधो, कितने गर्व से कह रहे हो। मुझे आप गधा बोल रहे हो क्या? ये चुप कर रहे हो। मेरे पास आने से पहले कैसा दिखता था ये? लगता था कौवे ने कपड़े पहने, जैसे भैंस तालाब से बाहर आ गई। अब देखो गोरा हो गया, गोरिल्ला की तरह। अब इसे देखो, अपने मोबाइल का रिचार्ज भी मुझसे ही करवाता है। बाबू भाई, ऐसे गरीबों पर कुछ चिल्लर दान कर दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। लगता नहीं है कुछ मिलने वाला है। वैसे बाबू भाई, आप रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं कॉर्पोरेटर बन पाऊंगा कि नहीं। सब लोग मेरी बात सुनो, मेरे साथ सब कसम खाएंगे और मेरी बात को दोहराएंगे। अच्छा भाई, ओके ओके।
इसी समय से, इसी समय से हम सब मिलकर, हम सब मिलकर बुक्का बाबू राव जी को कमीने चाट के खा जाएंगे। हा? अरे बाबू भाई, ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। बुक्का बाबू राव जी को कॉर्पोरेटर बनाने के लिए हम लोग प्रतिक्षण मेहनत करेंगे। बाबू राव को साक्षी मानकर प्लीज बुक्का तो बोलो ना। चुप। बुक्का बाबू राव को साक्षी मानकर हम शपथ ले रहे हैं। अम्मू की बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो इतना प्यार करता है उससे? हम दोनों की दोस्ती जितनी स्ट्रांग है, अम्मू के लिए मेरी फीलिंग भी उतनी ही स्ट्रांग है। ए देवदास, तुझे तेरी पारुल मिल जाएगी, लेकिन गणेश पूजा का क्या प्लान है? थैंक यू मैडम इस पूजा को अटेंड करने के लिए। थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे इतने बड़े अवसर पर बुलाया। आइए मैडम। अम्मू, अम्मू, टीवी पॉज करके क्या मन ही मन हंसी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, हमारे कॉलोनी में फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया गया था ना, इसीलिए। अगर बात फेस्टिवल की है तो ठीक है, लेकिन तू वहाँ उस लड़के के बारे में बात कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी एक्चुअली तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में प्यार मोहब्बत ये सब होता रहता है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, इससे ही घर चलता है। बात वो नहीं है मम्मी। अगर उसके लिए कोई फीलिंग है तो उसे भूल जा। मम्मी, आप जिस श्री राम को जानती हैं वो अलग है, और मैं जिसे जानती हूँ वो अलग है। सीरियसली मॉम, ही इज वेरी टैलेंटेड, वो जिंदगी में आगे जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो बाकियों से अलग है। प्रेमियों को पागल कहते हैं, तू भी मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अपने टीचिंग करियर में मैंने तेरे जैसी बहुत लड़कियां देखी, असल में तू प्यार को क्या समझ रही है? वो वैसा नहीं क्या है वो मैं जानती हूँ। किसी से शादी करके ये सारी जिम्मेदारियां लेकर एक दिन तू मेरी तरह बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। मम्मी, तेरे पिताजी के टॉर्चर की वजह से ही हम यहाँ इतनी दूर आए हैं, अब अगर तू भी यही प्यार मोहब्बत करेगी प्लीज, तो फिर हम दोनों का क्या होगा, जरा सोच कर देख। मम्मी, मम्मी। मर, मर, अपने लिए या देश के लिए नहीं, मेरे लिए तो मर, मैंने जो बैटिंग लगाई उसके लिए। इसकी माँ की, हार गया यार। ए, हमेशा मैच क्यों देखता रहता है यार, काम के टाइम पे काम करना चाहिए ना। अच्छा, तुझे लगता है ये सब सीरियस काम कर रहा है? वहाँ देख कैसे काम हो रहा है। हाँ, देखा ना, बहुत अच्छा था। और वो देख, लिपस्टिक में भी बिजी रहती है, और वो बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में बिजी है। हे, बॉस के आने का टाइम हो गया। अरे बॉस के क्या है, वो तो रोज ही आती है, मैच रोज नहीं होता, इसलिए फोकस। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलो। लो। ऐसे नहीं, थोड़ा पास आओ, बताती हूँ। वरुण, आज मेरी दीदी का बर्थडे है, तुम्हें आना होगा। ओ, उसे कहना मैंने विश किया है। वैसा नहीं, मेरी दीदी प्लेबॉय पब में पार्टी दे रही है, तुम भी आओगे तो अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है ना? आ जाएगा, लेकिन तुम थोड़ी दूर ही रहो। ओ गॉड, अरे बाप रे, एकदम जंगली बिल्ली है। वैसे तुम इसे ही क्यों बुला रही हो, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो भी तुम आ जाओगे। वरुण, तुम पक्का आओगे ना आज? वो तो आएगा ही, वैसे और कौन कौन आ रहा है? अकेले वरुण आ गया तो सब आ गए। हे गाइस, आज मेरी दीदी पार्टी दे रही है, आप लोग जरूर आइएगा। इतनी छोटी उम्र में इतना अचीवमेंट हासिल करना मामूली बात नहीं है, असाधारण चीजें हासिल करने में महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं। हमारी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में ये काम कर दिखाया, और जानवी ने बिजनेस में किया। जानवी के बारे में एमपी साहब दो शब्द बोलेंगे, प्लीज वेलकम सर। आप सभी को नमस्कार, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब मेरी बेटी को बधाई देने आए हैं। शायद आप लोगों को लगता है कि मेरे जैसे पिता होने से कोई भी बेटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह सच नहीं है।
मैं पिछले 20 वर्षों से इस बिजनेस में टॉप पे हूं। टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे कितने साल लग गए, लेकिन जब मेरी बेटी आई तो 2 साल के अंदर उसने मेरी कंपनी को टॉप 10 में पहुंचा दिया। इसका श्रेय उसके नाम पर देने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। प्लीज गिव हर ए बिग हैंड। इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल अजय मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज प्राउड मोमेंट ऑफ जानवी'स फादर। हर किसी की लाइफ में ऐसा एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। कमिंग टू जानवी, हम उसे बेस्ट बिजनेस वुमन के तौर पर देख रहे हैं, उसी तरह आप भी बेस्ट वुमेन ऑफ डिकेड के तौर पर आई हैं। हम दिल से चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस सभा को संबोधित कीजिए। दिस यंग लेडी वॉन्ट्स एनी हेल्प एट एनी टाइम। टेक अप टू मी, आई एम रेडी टू सपोर्ट हर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। कंग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। या जानवी जी आकर 2 शब्द कहें। थैंक्स टू ऑल। अजय मिश्रा सर ने कहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन मैंने तो अभी चलना शुरू किया है। मैं दौड़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दौड़ अच्छी लगा पाऊँ इसलिए मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो ना। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है भाई। अब अजय मिश्रा को ग्रुप में शामिल करने का वक्त आ चुका है, तुम्हें कुछ तो करना होगा। ठीक है भाई। हाय सर, मायसेल्फ दीक्षित, कैन आई ज्वाइन विथ यू? माफी चाहूंगा, मैंने आकर आपको डिस्टर्ब किया और आपके साथ ज्वाइन होने के लिए भी बोल रहा हूँ। यही सब सोच रहे हो ना? लेट मी टेल यू इन डिटेल। दरअसल आप IPCL फ्रेंचाइजी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन उसमें जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा आपके पास फिलहाल नहीं है, और शायद पैसों के बारे में सोचते हुए आपको रात में ठीक से नींद भी नहीं आती होगी, इसीलिए सुबह थोड़ा स्ट्रेस में रहते होंगे। शायद गैस का प्रॉब्लम, टाइम पर खाना पीना नहीं है। हाँ, मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बना लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही पार्टनर के रूप में एग्रीमेंट चाहिए, जस्ट आपसे मुझे एक छोटी सी हेल्प। आप मुझे ना मत कहना, हेल्प करोगे ना? नो, गुड बाय। जबरदस्त शॉट है हाँ। इस मैच पर लगा हुआ पैसा सब मिसमैच हो गया। ये बता कितना मिला और कितना गया? वो एक लंबी कहानी है। पहले तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, उसमें से मैंने 4,000 लगाए, चार लगा के मुझे 14 मिले, फिर मेरे 4 चले गए, 10 बचे थे, अब 10 में से 5 लगाए, अब मुझे 10 मिले, पूरे 15 हो गए। इस बार 10 लगाए, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, वो 10 डूब गए और अब 5 बचे हैं। उसके बाद 5 लगाए, उसके बदले मुझे 5 और मिले। अब ये बता कि तेरे पास कितना बचा है? ये 5 बस 10। तेरी बैटिंग है बाहर में। अरे वो सब क्यों करना है? तू अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में भेज दे और मैं अपने अकाउंट से तेरे अकाउंट में भेज दूंगा, बस यही करते रहेंगे। कौन सी टीम पे बैट लगाई है? मुंबई। मुंबई पे? वैसे आज सनराइज जीतने वाली है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? इसे कोई बदल नहीं सकता है, पक्का गारंटी है सनराइज ही जीतेगी। कोई नहीं सुनता मेरी बात। रुक, अब 5 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर ले। अगर वो श्रीराम आ गया ना तो वेटिंग का नाम सुना ना। समझ ले बेटा, तेरा गेम बच गया। अरे, थोड़ी देर के लिए अपनी काली जुबान बंद करना, हर टाइम भोकता रहता है। हाँ, प्लीज यार। वैसे क्या बात चल रही है? M3 की बात कर रहे भाई। M3 मतलब मदिरा मस्ती मैच। तूने सही जोक मारा। ए, मैच के खत्म होने के बाद ये होना बहुत जरूरी है। ए टिकटॉक, तेरे पास कितना है? अरे मेरे पास वो भाई रुक तो। अरे इससे कुछ मत पूछ, इतनी छोटी सी कहानी को ये इतना लंबा बना देता है। स्टार्टिंग में जितना था लास्ट में उतना ही होगा, और इसमें से आधा शून्य माइनस करू तो कुछ बचता है तो 1-0। ये माइनस प्लस क्या है यार? अरे यार वो क्रिकेट बैटिंग में। बैटिंग? हाँ, क्रिकेट प्लेयर्स होकर तुम लोग यहाँ पर बैटिंग लगा रहे हो? हाँ, बैटिंग हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। उसमें लूप होल्स क्या है, राइट होल्स क्या है, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, इसलिए लगाए हैं। ए, क्रिकेट का मतलब
11 खिलाड़ियों वाला कोई मामूली खेल नहीं है। इस देश के दिल में पलने वाला एक इमोशन है। शुरू हो गया। हजारों करोड़ का बिजनेस है ये, बहुत लोगों को रोजगार देता है। ये सब जानते हुए भी तुम लोग पब्लिक के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे रे रे, क्रिकेट की कसम, जिंदगी में कभी बैटिंग नहीं लगाऊंगा। अभी तो थोड़ा दिल खोलकर पीने दे। चल ठीक है। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है यार, इसीलिए तो फूंक रहा हूँ। मरेगा तू। क्या बात है, आज ये टिकटॉक की वीडियो की तरह बदल रहा है। पब में एक बर्थडे पार्टी है। पब में पार्टी है यानी डिचैक 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 डिचैक। इतना खुश मत हो, वो पब में भी पिएगा तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही। फिर तो निकल भाई, हमारे पास तो पीने के लिए दारू है, तेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीकर जाना। बाय बाय। ऑर्डर सर। मुझे लार्ज। अरे जो भी ऑर्डर करना है थोड़ा लिमिट में कर। अगर लार्ज नहीं पीऊंगा तो पार्टी कैसे कर पाऊंगा? तू अपना मुंह बंद कर। मुंह बंद करने से कुछ नहीं होता। हे वरुण, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। वैसे एक बात बोलूं, ये बर्थडे पार्टी किसी पार्क या घर में मनाई जाती है ना, तो इस पब में क्यों? पार्टी तो कहीं भी की जा सकती है, बट यहाँ पर करने का अलग ही मजा है। हाँ सही कहा, तुम्हारा और मेरा टेस्ट हमेशा मैच होता है। कौन सा टेस्ट? तुम्हारा टेस्ट। हे राम, जानवी मैडम आई है। ऑफिस में ट्रेडिशन लड़कियों को बहुत ज्ञान देती है, अभी खुद देखो कैसे आई है। चुप रहना, शायद मैडम की कोई दोस्त हो सकती है। अच्छा ए, चलो ना मैम से मिलकर आते हैं। हाँ, ओके। हाय मैम। हाय, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है तो मैं ऑफिस में सभी को पार्टी दे रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। चलो। क्या यार, एक बैग लेगा? तेरा भी हो गया क्या? तू तो टैंकर है, तेरा क्या होगा? चल। सॉरी। ये अंदर क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था। कोई और भी है क्या? कोई नहीं है। छोड़ टा। ये क्या है बे? ये दारू है। अरे वो मुझे पता है, लेकिन इसे लेके यहाँ क्यों आया? अरे उसके सामने पीऊंगा ना तो बोलेगी 90 ml से फेफड़ा खतरे में आ सकता है, और क्वार्टर पीने लगा तो बोलेगी किडनी खराब हो जाएगी। उससे अच्छा तो यहीं पी लूं। मतलब तो यहाँ क्यों पी रहा है? सारे ब्रांड तो वहाँ पर भी हैं। बाहर ये 500 rupees का और अंदर 2800 rupees का, समझा क्या? दोनों आधा तो पियेंगे तो किक मस्त चढ़ेगी। ठीक है ठीक है। ला ला ला। यार उसे देखकर मैं और सब्र नहीं कर सकता। तुझे लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? बस थोड़ा सब्र रख। थैंक यू। जानवी, what happened? It's okay. Are you okay? It's okay. चलो ऊपर चलते हैं, बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। कम। No. कम 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 चलो ना, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाओगे। चलो चलो। कॉलेज में मुझे चप्पल से मारा था ना, तब से इस मौके की तलाश कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रख। भाई ले आया। छोड़ो मुझे। सर मैडम तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग। मेरे बाद तुम लोग। एमपी की बेटी है तो मैं डर जाऊंगा क्या? हट जाओ। छोड़ो। People in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people on the front, West and North and South, it was kind of hasty. East and West and North and South, it was kind of hasty. People in the back, for the people in the front, for the people on the
side, for the people on the side. क्या यार, तुम लोग रुक नहीं सकते क्या? क्या हुआ? तुझे लग रहा मैं डायलॉग मारूंगा? तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोगों को न्याय नहीं मिलता। लोग यहां वहां भटकते रहते हैं और आत्मा को शांति दिलाने के लिए सड़कों पर मोमबत्तियां जला के रैली निकालते हैं, लेकिन जब तक वो मोमबत्तियां बुझती हैं तब तक कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम जैसे लोगों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। डर पैदा करना होगा। हम घर पहुंच गए हैं मैडम। आइए मैडम। लक्ष्मी चलिए। आराम से, आराम से। अरे अरे आराम से मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैडम जी, रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था लक्ष्मी? जो लड़का आपको लेकर आया था वो एक अच्छा लड़का है मैडम। तो क्या पापा ने मुझे देख लिया था? जब आप आई थी तब पापा घर पर नहीं थे। ठीक है, लाओ। सीनो, इतना टाइम हो गया, वरुण अभी तक क्यों नहीं आया? मैडम, कब तक आएगा वो? ठीक है, जब वो आए कैबिन में भेज देना, उससे बात करनी है। बोल दूंगा मैडम। क्यों ब्रो, कैसा है? हाँ यार, सॉरी, रात में कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं। वैसे हुआ क्या था? बाद में बताऊंगा। सर, आपको मैडम बुला रही है। सर, अभी तो आए हो और अभी बुला रही है, जाओ। मैं आई कम इन मैडम? या प्लीज कम, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी मैडम, कल रात को लेट घर गया ना, इसलिए यहाँ भी लेट हो गया। अरे तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? वैसे तो मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। एक्चुअली कल कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे क्या हुआ कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि तुमने मेरी हेल्प की। उन लोगों ने जब आपका फायदा उठाना चाहा तो मैंने ऐसा मजबूरन किया। थैंक यू सो मच वरुण। ओके मैम, आई हैव सम वर्क, कैन आई लीव? या कैरी ऑन। ओके मैम। वरुण, वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हाय, गुड इवनिंग। हाय। वो यहाँ नहीं है? हाँ, यहाँ नहीं है। कौन? जिसे तुम्हारी आंखें ढूंढ रही हैं, वो यहाँ पर नहीं है। वैसे मिठाई किस लिए? मुझे जॉब मिल गई। जॉब मिली तो मिठाई नहीं, बल्कि हमें तो फुल खंबा चाहिए। अब मच्छर, मच्छर था यार, अगर वो तुझे काट के हमें काट लेता तो खतरा हो जाता है। मच्छर से भी ज्यादा जहर तेरे जुबान पर है। यहाँ इधर देखना भाई, चिढ़ा रहा है। आजा भाई, उतना मत बन। अम्मू, ये मिठाई मुझे दो, एक वरुण के लिए, एक मेरे लिए। तू ज्यादा मिठाई नहीं खाता ना, ले। तुम यहाँ मिठाई देने के लिए आई थी ना? मतलब बस उसके लिए नहीं, तुम सबके लिए भी लाई थी। सच बता ना, तुम उससे प्यार करती हो ना? वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब वैसा कुछ नहीं है,
सच बोलने में डर लग रहा है क्या तुम्हें? डर की बात नहीं है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 सालों से भटक रही हूं, हमेशा नशे में रहता है, पता नहीं ये सब कब छोड़ेगा। सही है, तुम उसे पिछले 3 सालों से देख रही हो, मगर तुम ये नहीं जानती कि श्रीराम कौन है। रणजी में आंध्रा के फाइनल तक पहुंचा था, वहां सबसे टॉप स्कोरर श्रीराम था। सबको ये लग रहा था कि वो इंडिया में सेलेक्ट हो जाएगा। उस दिन बीसीसीआई के सेलेक्टर भी वहां आए थे, लेकिन श्रीराम बहुत शॉर्ट टेम्पर है। उस दिन मुंबई टीम ने उसे और तभी गुस्से में आके श्रीराम ने उसका सर तोड़ दिया। उसने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब तुम्हें देखता है ना, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो चाहे कितने गुस्से में क्यों ना, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इतना प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हें भी उससे उतना ही प्यार है ना? हाँ, अगर वो आए तो कहना कि मुझसे मिल ले। ओके बाय बाय। अरे भाई, अरे हमारा भाई आ गया। अरे किस्मत दुर्गे तेरी। अरे मेरा भाई, बात क्या है यार, बताओ ना। हमारे लिए गुड न्यूज़ है भाई। इस टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही बढ़िया बात है। एग्जैक्टली। वरुण, वरुण चल तू निकल, मुझे अकेले में बात करनी है। क्या हुआ श्रुति? तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैंने क्या किया है? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यही तो वजह है। मतलब? मैं तुम्हारे इतने पास रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक झलक भी नहीं देखते हो। जहाँ मैंने तुम्हारे लिए पार्टी डिसाइड की, वहाँ सभी लोग थे लास्ट तक, लेकिन मैं जब तक आई तुम वहाँ नहीं थे। जो लोग मासूम दिखते हैं वो सबसे बड़े चालाक होते हैं, और लगता है कि तुम भी वैसे ही हो, क्योंकि आजकल मैडम के साथ बिजी जो हो। शट अप। सामने वाले के बारे में बात करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमारी कंपनी की MD है, लेकिन फिर भी हमारे साथ फ्रेंडली रहती है, हमें अपने साथ लेके चलती है। तुम इतने सुपीरियर व्यक्ति के बारे में इतनी घटिया सोच रख रही हो। माइंड योर बिजनेस। अब इसने भी सुन लिया। मम्मी ने देख लिया तो चलो अंदर आओ। जल्दी चलो। क्यों आए हो तुम यहाँ? उस दिन तुमने किस दिया था ना, उसी की याद आ रही थी। एक बार और दे दो, मैं चला जाऊंगा। जल्दी करो। नहीं दो ना। अरे दे दो ना। नहीं 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 नहीं। अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे बस दिखाई दे रहा है। नहीं तो ठीक है। नहीं किस करो ना। नहीं नहीं आंटी, इस पर गुस्सा मत कीजिए, मैं अम्मू से शादी करना चाहता हूँ। आंटी चुप रह, और तू दूर रहना मेरी बेटी से। मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? और खाने के लिए कुछ काम धाम करता भी है? क्या खिलाएगा तू मेरी बेटी को? तेरी भी एक बहन है ना, उसे तेरे जैसा लड़का मिलेगा तो क्या अपनी बहन की शादी तू उसे करवा देगा क्या? अब तक अपने पिताजी के टुकड़ों पर जी रहा था, और अब मेरी बेटी से प्यार करके उसकी जायदाद हड़पना चाहता है। प्यार करने के लिए सिर्फ लड़की काफी नहीं है, हर समय उसकी देखभाल करनी होती है। सुख दुख में उसके साथ खड़े होने की ताकत होनी चाहिए, उससे कहते हैं मर्द। हम दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन तू एक राक्षस बनकर आ गया।
चल निकल जाए। मम्मी निकल जा मेरे घर से। मम्मी मम्मी रुक जाइए। मेरी बात सुनिए। आंटी प्लीज गेट आउट। एक सौ चालीस करोड़ आबादी वाला देश है ये। अगर 10 करोड़ लोग भी क्रिकेट खेलें तो भी ग्राउंड में सिर्फ 11 लोग ही चाहिए। एक क्रिकेटर बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं होना चाहिए, किस्मत भी होनी चाहिए, खुद के पास पैसा भी होना चाहिए और उससे भी बड़ी चीज सब्र होना चाहिए। जिंदगी एक जलाई हुई सिगरेट की तरह नहीं है। अगर तू चाहे तो सिगरेट फिर से खरीद सकता है, लेकिन एक बार उम्र गुजर गई तो फिर उसे खरीद नहीं पाएगा। आज तक पिताजी की बात को मैंने बहुत लाइटली लिया है, लेकिन आज पहली बार उनकी बात मेरे दिल को छू गई है। अम्मू की माँ के दिल में जो आया उन्होंने कहा, अब मैं क्या हूं ये उन्हें दिखाऊंगा, मैं क्या हासिल कर सकता हूं ये उन्हें करके बताऊंगा। मैं क्रिकेट के ग्राउंड में दोबारा कदम रखने जा रहा हूं। आखिर ये सब कैसे हुआ? वरुण की जिंदगी की एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एफआईआर लिख। तो जैसे कमीने लोग होते हैं जो प्यार में फंसाकर लड़कियों से शादी करते हैं और उनकी इज्जत से खेलकर बाद में उन्हें जान से मार डालते हैं। छी। मेरी पत्नी को मैंने ही मार डाला, मैंने मार डाला। गुड मॉर्निंग मैडम। हाय वरुण, बैठ जाओ। कोई बात नहीं मैडम। अरे तुम कोई पराये नहीं हो जो ऑर्डर फॉलो करोगे, बैठ जाओ। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी एज क्या है? 24। मतलब 1997? यस मैम। मंथ? जुलाई। मेरा अगस्त है। तुम तो मुझसे भी एक महीने बड़े हो। मे बी मैम। मैं तो तुमसे एक महीने छोटी हूँ, फिर भी ये मैडम मैडम क्यों करना? कॉल मी जानवी। इनफैक्ट जानवी से बेटर जानू है, कॉल मी जानू। आप हमारे बॉस की बेटी हैं, मतलब आप हमारी प्रिंसेस बॉस हैं। आपको आपके नाम से बुलाने में मुझे 10 साल लग जाएंगे, और रही बात जानू की तो वो तो शायद इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं तुमसे शादी कर लूं? देखो वरुण, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता, जो भी बोलती हूँ सीधे बोलती हूँ, मन किया तो पूछ लिया और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन दीदी कोई नहीं है, उनका प्यार मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो तुम यही सोच रहे हो कि अपने दोस्त राम से बात करके उससे राय लेकर आगे सोचूंगा। आप एक मिनट देंगी प्लीज? हे मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फोन किया है तो बात ही करनी होगी ना, बता क्या बात है।
ये तो अच्छी बात है यार। क्या अच्छी बात है यार, वो हमारे बॉस की बेटी है, अगर उसे मेरे अंदर कोई कमी दिखी ना वो मेरा सर काट के घर के दरवाजे पे लटका देंगे और तुम लोग मेरी बॉडी को कंधा देने आ जाना। वरुण इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू बस एक काम कर, उसके पास वापस जाकर उससे ये कहना कि वो अपने फादर को खुद मनाए, अगर वो मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी। पक्का ऐसा होगा ना? मतलब आप तो मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ है। आपके घर वाले सोचेंगे आप पैसे वाली हैं, इसलिए मैंने आपको फंसाया है और प्यार का झांसा दे करके आपके साथ ये सब किया है। इसलिए अगर आप अपने पापा को मना ले तो बहुत अच्छा होगा, अगर वो मान गए तो फिर शादी आराम से। अगर मेरे पापा ने हाँ कह दी तो? हाँ तो है लेकिन। डन, मैं समझ गई। तो फिर मैं उनसे हाँ कहलवा कर तुम्हें कॉल करती हूँ। वेट करो, सी यू। हाँ बोलो कृष्णा, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे को पुलिस ने कैसे मारा है देखिए सर। क्या किया था इसने? मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता है सर, उस लड़की के पिता एसआई के दोस्त हैं, इसीलिए मेरा बेटा खाना खा रहा था उसी समय पकड़ कर ले गए। तो वो लड़की आपके बेटे को पसंद करती है? हाँ पसंद करती है सर, वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। दोनों मेजर है ना? कौन से एरिया का पुलिस स्टेशन है? सर टू टाउन है सर। राम बाबू सर, वहाँ के एसआई को फोन लगाओ जरा। एसआई जी बोल रहे हैं सर, एक मिनट, एमपी साहब बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते, सुना है तुमने एक प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया है? वो प्यार करते हैं तो तुम्हें दुख किस बात का है? सुनो, अब तुम ही उन दोनों की शादी करवाओ, दोनों की शादी लीगल होनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। डैड, पहले आरती लो बेटा। डैड, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपसे सच कहने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन आपको उनसे बात करते हुए देखकर अब मैं बेझिझक कह सकती हूँ। बेझिझक बोलो बेटी, यू आर माई ओनली डॉटर। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ओहो, इतनी सी बात है, कौन है वो लड़का? बताओ बेटा। वो कोई और नहीं, बाहर। वेट वेट, तुम्हारी चॉइस कैसी है मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊँ कि वो कैसा है। चलो बैठो, मैं बताता हूँ। बताओ तो जरा। सुना तुमने, तुम्हारी बेटी प्यार में पड़ गई है। डैड। बोलो बेटी, तुम्हारा क्लासमेट है क्या, या फिर वो हमारी तरह कोई पॉलिटिकल पर्सन है? नहीं डैड, वो हमारी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई है। ही इज अ सच अ नाइस पर्सन, आप ही एक बार बात करके देख लीजिए, वो पसंद आएगा। क्या बकवास कर रही हो, मुझसे बात करने के लिए मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। आपकी बेटी इतने प्यार से कह रही है, एक बार बात तो करके देखिए। बस करो तुम। वो सब छोड़िए डैड, थोड़ी देर पहले आप उन लोगों की शादी के बारे में बात कर रहे थे, तो अब मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है, वो लड़का उस लड़की के बराबर है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर तुम हमारे लेवल के लड़के के बारे में बोलती तो मैं भी ओके कर देता। साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारी शादी उसके साथ मंजूर नहीं बेटी, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, प्यार में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो सुनो, मैं भी एक निर्णय ले रहा हूँ, तो तुम्हें इस घर से, हमारी कंपनी के शेयर में से कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखना। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ डैड। थैंक्स डैड। अपनी बेटी के तेवर देख रही हो ना, आगे क्या करना है मैं जानता हूँ। क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करने के लिए फेशियल करके आया हूं। और तेरा टिकटॉक। देख यार, जो भी बोलना है मुझे बोल, लेकिन मेरे फॉलोअर्स को मत बोल, उनके साथ बात करने में क्या मजा है तुम लोगों को नहीं समझेगा। अरे अब लाइव शुरू हो चुका है। देखो मेरे आस पास शोर है, लेकिन आप लोग माइंड मत करना। ये कभी नहीं छोड़ूंगा, आ जा रे तेरी तो। यार
काशी अन्ना आया है, अब कोई बचने वाला नहीं है। ए बाशी, चल खत्म कर इन लोगों को। ये क्या ऊपर इतनी ठंड है और नीचे इतना गीला, क्या ये? बाबे अरे क्या हुआ? Hey! फोन निकाल के देना। फोन चाहिए तो पहले बताना चाहिए ना, लड़की से बात करेगा या फिर माँ से बात करेगा? इस वक्त सिर्फ मुझे टिकटॉक की पड़ी है यार। कल से इंडिया में टिकटॉक बंद होने जा रहा है, यूजर्स निराश हैं। हमारे पीछे कुछ चल रहा था और उसे जानने से पहले जानू ने मुझे शॉक दे दिया। साई अब कैसे हो? मेरा टिकटॉक बैन हो गया है। वो सब छोड़ो जानवी, तुमने अपने पापा से बात की या नहीं? बात तो की थी, कन्विंस भी किया, फिर भी नहीं माने, इसलिए मैं घर छोड़कर यहां आ गई। कल ही हमारी शादी है। शादी? वैसे जानू अचानक से इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेना? देख वरुण, जानू खुद ब खुद अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर तेरे पास आई है, तो फिर तू इतनी छोटी सी बात पे इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? बात वो नहीं है यार। तो फिर बात क्या है? जानू तेरी है और तू उसका है, तुम दोनों के साथ हम लोग है ना यार। ऐसी शादी करना एक ट्रेंड है यार, हमें भी फॉलो करना होगा। पी 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 डूम 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 डूम। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? I'm very happy। आज दोस्त की शादी है, फुल एंजॉय करेंगे। तो मेरी बेटी को कैसे पसंद आ गया? इस शहर में मेरी बेटी को कोई भी पसंद नहीं आता है। तेरे पास तो दौलत भी नहीं है। पैसा नहीं है तो क्या हुआ सर, मैं उसे अपने दिल में बसा के रखूंगा।
मुझे लगा वो मुझे आशीर्वाद देने आए, बल्कि वो तो मुझे डराने आए थे। उनकी धमकी हमारे प्यार की कमजोरी बन गई। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन अब जानवी है जिसके साथ मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, और वो भी खुशी के साथ। हम अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन जानवी के पिताजी ने मेरे लिए नौकरी के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। जीने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, बिना पैसों के हम अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। वरुण, इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। एक गुड न्यूज दूं क्या? वो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने इस बात का दुख होता है ना, जस्ट वेट अ फ्यू मंथ्स, एवरीथिंग विल बी बैक। तो पहले तुम्हें कौन चाहिए, मम्मी चाहिए या पापा चाहिए? तुम चाहिए। ए, पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तुम तो इतने प्यारे से हो, तुम्हारे माँ बाप को लाना है ना। I love you, Janu. Love you. अब हम दो नहीं, तीन हो गए। मुझे किसी भी हाल में जॉब चाहिए थी। तभी रामप्रसाद ने मुझे एक आइडिया दिया। क्या हुआ भाई? यहाँ तो मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। क्यों रे? उस रेलवे कॉलोनी के कृष्णमूर्ति से पैसा वसूल किया है या नहीं? दीदी वो क्या? तू वहाँ जा नहीं रहा या वो दे नहीं रहा? जा रहा हूँ दीदी, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ है। ताला लगा है तो ताला तोड़ और घर का पूरा सामान मेरे पैरों में लाकर रख दे, तब तब वो खुद आएगा यहाँ मेरे पास। ठीक है दीदी, मैं देख लूंगा। तू क्या देख लेगा रे, सूखे मुर्गे जैसा शरीर है तेरा। क्या घूर रहा है मुझे, चल जा, जाकर उस काशी को भेज अंदर। जा। इस काशी की तो क्या? वो क्या है दीदी, एक चांस दे दो ना दीदी। चल निकल अब, निकल, उस काशी को भेज अंदर। ठीक है दीदी। जा। नमस्ते दीदी। हाँ क्या रे, सुना है एमपी की बेटी से शादी कर ली? जी दीदी। किस काम से आए हो यहाँ? वो क्या है कि दीदी, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए पैसों की जरूरत थी, पैसे उधार लेने के लिए आए थे। जब जरूरत इसको है तो तू बिना वजह क्यों बीच में घुसा जा रहा है रे? ठीक है ठीक है, कितना पैसा चाहिए बोल। बस 2 लाख चाहिए दीदी। 2 लाख चाहिए? सुन ले, महीना खत्म होने से पहले अगर ब्याज नहीं मिला ना तो मैटर तुम्हारी जान तक आ जाएगा। तू समझ रहा है ना? बेटी सीटी सीटी, वो जो पुरानी मछली का बॉक्स है ना, उसके अंदर पैसे के कुछ बंडल है, ला कर दे। सीटी नाम से ही पता चल रहा है कितनी स्वीट होगी, मतलब कि खूबसूरत होगी। बेटी स्वीटी, अपने शुभ हाथों से दे दे इन लोगों को। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या यार, मुझे देख के शर्मा क्यों रही है? इसे सपने में भी देख लूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। अब सुन सॉफ्टवेयर, हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। क्या दीदी, हम तो शुरू से ही हार्डवेयर हैं और ये सॉफ्टवेयर है, हम दोनों की जोड़ी खूब अच्छी लगेगी। तो क्या कहते हो सॉफ्टवेयर? बात ये है बाजी, अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे। बहन, बहन के लिए रिश्ता ढूंढना मेरी जिम्मेदारी, क्या कहता है? हमारी बहन, हमारी माँ। मेरी बात सुन काले कौवे, टाइम से पहले अगर मेरा ब्याज नहीं लौटाया ना तो तेरे पर काट दूंगी मैं। जी माँ जी, चल चलते हैं। आता हूँ बहन, चल 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 चल, निकल निकल। माँ बहन करने आया था, कमीना कर दूंगा। सुन भाई, पैसे तो आ गए हमारे पास, चल बैटिंग करते हैं, फोन लगा उसे। अरे मल्ली, पैसे मिल गए, जल्दी आ जा।
जानू माँ बनने वाली है ये सोच करके मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसका नाम है क्रिकेट बेटिंग, हाईटेक क्रिकेट बेटिंग। ये एक अलग ही दुनिया है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर का पैसा यहां। हमने बेटिंग करना शुरू कर दिया था। इस ओवर में 12 रन आएंगे, 50,000 लगा लो। यार 2 ही लाख थे, उसमें से पहले भी लगाए और अभी 50,000। यस Yeah. 1 लाख। हे, ये ब्याज के पैसे। चुप रह। पहले ही मैच में हम 2 लाख जीत गए। आज के लिए बस इतना काफी है। यार थोड़ी देर और खेलते हैं ना। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चल फिर ठीक है, बाय। कभी कभी कुछ मैच अचानक से पलट जाते हैं। यस यस यस। मुझे ये लग रहा था कि मैं हमेशा जीतता रहूंगा, लेकिन मैं जितनी रफ्तार से जीत रहा था उसके बाद मैं दुगनी रफ्तार से हारता गया। टाटा पिज्जा मेड बाय जानू। अरे मैं ही खिलाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। बीवी पेट से है कहकर मुझसे उधार लेने आया था, ब्याज के साथ असल भी दूंगा ऐसा कहकर आया था। सब उस भगवान की कृपा है। अब ब्याज के लिए फोन कर रही हूँ तो मेरा फोन नहीं उठा रहा। यहाँ आकर देख रही हूँ तो पिज्जा और बीवी के साथ गुटर गु कर रहा है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? रात भर रामायण सुनकर सुबह उठकर पूछ रही है कि सीता का पति कौन है। माय नेम इज जगदम्बा, आई गिविंग अप टू योर हस्बैंड। नो असल, नो प्याज, नो फोन लिफ्टिंग कॉल। माफ कीजिएगा, बस 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम ब्याज के पैसे चुका देंगे। मैडम टेलिंग ना, चलो चलते हैं। हेलो मैडम, जगदम्बा परफेक्ट, 1 वीक वेटिंग। 1 वीक में नहीं मिला तो चलो रे। ये सब क्या है वरुण, तुमने कहा था जॉब मिल गई है और एडवांस भी मिल गया है, तो फिर ये सब क्या है? जॉब नहीं मिली जानू, और मिलने की कोई आस भी नहीं है। उस घर में क्या जिंदगी थी, मेरी नाकामयाबियों की वजह से तुम परेशान हो रही थी, घर के काम करती थी जैसे झाड़ू पोछा करना, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले की जिंदगी मायने नहीं रखती वरुण, मेरी कामयाबी में तुम हो और तुम्हारी कामयाबी में मैं हूँ। ये सब सुनने में अच्छा लगता है जानू, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता ऐसा। और एक बात और, अब तुम सिर्फ जानवी नहीं हो, मेरे बच्चे की माँ हो। तो इसके लिए उधार लेना जरूरी था क्या? अभी गरीबी की स्पीड मुझसे भी तेज है, मैं जितनी तेज भागने की कोशिश करता हूँ गरीबी उतनी ही तेज मुझसे आगे निकल के मेरे सर पे बैठ जाती है। I'm helpless and hopeless. Don't lose your hope. I'm there for you. Excuse me. Good morning, ma'am. Please बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? My name is जानवी and I have an appointment with अजय मिश्रा। ओके, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मिस
जानवी आपसे यहाँ मिलने के लिए आई है, क्या आप आ सकते हैं? सर अंदर बैठे हैं, आप जाइए मैडम। हेलो सर। हे जानवी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कम सिट। थैंक यू। ओके सर, मैं निकलता हूँ। या, वी विल मीट सून। थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? एनी हेल्प? मुझे जॉब चाहिए सर। व्हाट? एक एमपी की बेटी होकर जिसे बेस्ट वुमेन अवार्ड मिला, तुम्हें जॉब चाहिए? रिसेंटली मैंने लव मैरिज करके शादी की, तो फैमिली से अलग हो गई हूँ। आई नीड अ जॉब सर। नो 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 नो, डोंट से लाइक दिस। ईच एंड एवरी कंपनी नीड्स यू। बताओ तुम्हें किस तरह की जॉब चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए तुम्हें? मैं किसी पोजीशन के बारे में नहीं सोच रही हूँ सर, अभी मुझे बस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मैं दरअसल आईपीसीएल में एक टीम खरीदने जा रहा हूँ, उसे संभालने लायक मुझे एक पर्सन की जरूरत है, सो आई थिंक यू कैन डू दिस। श्योर सर, थैंक यू सो मच। गुड। जानू को नौकरी मिल गई, हमारे सारे दुख दूर हो गए, लेकिन श्रीराम की कहानी कुछ अलग ही है। एक एक करके क्यों डाल रहा है? एक एक करके खाना हाजमे के लिए अच्छा होता है, ऐसा डाइटिशियन कहते हैं सर। मुझे दो चार देकर तू सब ले रहा है? नो प्रॉब्लम सर, आधे घंटे में हजम कर लूंगा। ऐसे मत देखिए सर, नजर लग जाएगी। बाबू भाई नमस्ते। तू अकेला आया है, हमारा बैच कहाँ है? वो क्या है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हाँ, चल बोल। आजकल मैं वैसे भी खाली हूँ, इसलिए अपने खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी सी एकेडमी खोलने का प्लान कर रहा हूँ, वो सब आराम से खेलेंगे और मेरी इनकम होगी। सुपर श्रीराम, अच्छा फैसला लिया तुमने। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? हमारे ग्राउंड के पास में जगह खाली है, अगर आप बात करके उसे मुझे लीज पे दिलवा दें। अच्छा इतना ही? वो जगह हमारे कॉन्ट्रैक्टर नर्सिंग की है, लेकिन वो पैसों के मामले में कोई भाईचारा नहीं रखता। बाबू भाई आप जगह की बात कर लो, पैसों का मैं देख लूंगा। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। अरे एक लड़का लेटा हुआ है पटरी पर, ट्रेन आ रही है, आओ आओ। बेटिंग में पैसा डूब गया है सर, अब पिताजी को कहां से दूं? पैसा नहीं दे सकता तो मर जाएगा, अभी जी के रुला रहा है, मरने के बाद जिंदगी भर रुलाएगा। ए घर लेकर जाए इसको। चलो मेरे बेटे ने बताकर सही किया। बेटा। हाँ मम्मी। तू टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं मम्मी। खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी मैं खा लूंगा। दो दिन से तू ऐसे ही कर रहा है, क्या हुआ है बेटा? वही पुरानी बातें, क्रिकेट कोचिंग सेंटर के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अब मांगने के लिए किसके पास जाऊँ? तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं। पर ये पैसे कहां से है? तेरे पापा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, वो तुझे डांटते जरूर हैं, लेकिन दिल से तुझे बहुत चाहते हैं। लक्ष्मी। हाँ आ रही हूँ जी। नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। दे दीजिए। पापा आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ले ली? बेटा तेरी खुशी के लिए तेरे पापा कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तू जानता है, सालों से मेहनत कर करके थक गए हैं ये, अब तो कम से कम इनके बारे में सोच। क्या हुआ, अब भी तुझे तेरे पापा विलेन लग रहे हैं क्या बेटा? नहीं मम्मी, पापा हीरो हैं, मेरे सच्चे हीरो हैं पापा। पापा आई लव यू पापा, आई लव यू। यस यस, मुझे बहुत खुशी है कि आईपीसीएल को हमारे आंध्रा टाइगर्स ही जीतेंगे। हेलो माया। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। प्लीज। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सर से दो मिनट बात कर सकती हूँ? थैंक यू। क्या बात है माया, यू आर
are looking so hot. तू? हाँ, मैं ही हूँ। तूने जो कांड किया है उसे दुनिया को दिखाने के लिए आया हूँ। ये देख कैसा है, बुढ़ा बेशक हो गया है तू, पर एक्सपीरियंस तगड़ा है तेरा। ए, उस लौकी को कुछ मत करना। थैंक यू बेब्स। तुम दोनों ने मिलकर मुझको धोखा दिया। तुम दोनों को मैं आज ही खत्म कर दूंगा। बंदूक तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसमें चलाने का जिगरा होना चाहिए। शायद वो जिगरा तेरे अंदर तो नहीं है। ये सब क्या है? अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरा नाम अजय मिश्रा से लड़कियों की हवस मिश्रा में तब्दील कर दूंगा। फिर जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। और हमारे मीडिया को तो जानता ही होगा, बिना जहरीले सांप को भी जहरीला बना देते हैं। अगर उस सांप की जगह तू नो, तुम्हें क्या चाहिए बस वो बताओ। ए सर, क्या बात है सर? सर आप मेरे पापा जैसे ही हैं। जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, आई ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। गलती मैंने की है, सिर झुकाने की गलती है। सोचा इंकार कर दूंगा तो चला जाएगा, लेकिन वापस आ गया। मैं तो कोई बात नहीं सर, मैं देखती हूं। वन मिनट सर। हेलो। हेलो वरुण, कहाँ हो तुम? हेलो जानू, तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मैं ट्रैफिक में हूँ, क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। हाँ, क्या? हमारे अजय मिश्रा सर एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। सुनाई नहीं दे रहा। वो जो दीक्षित हैं, वो उन्हें धमका रहे हैं। मैं घर आके बात करता हूँ। वो उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं उस तक पहुँचता। ए श्रीराम, तू इतने दिनों से कहाँ था यार? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। ए, तुझसे ही पूछ रहे हैं, कहाँ गया था? अरे तू चुप क्यों है, बताना। मैं वरुण से मिलने गया था। यार कैसा है वो? जवाब क्यों नहीं दे रहा यार? हे, लोगों ने मान भी कैसे लिया कि उसने ऐसा किया होगा? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है यार, वो लोग उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। कौन है वो? अरे और कौन, पुलिस। वो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? ई प्रिजनर साइट पर जाकर रिक्वेस्ट डालकर हम उसे मिल लेंगे। ये सब करने के लिए हमें एक अप्रूवल चाहिए। क्या करें फिर? उसके आसपास कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ अनिल, हमें अब नए प्लेयर्स चाहिए होंगे जो पूरे सिद्धांत के साथ खेले। एक बार रणजी प्लेयर लिस्ट को चेक करके देखते हैं। वो तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन अभी के अभी वैसा प्लेयर हमें मिलेगा क्या? मैं किसी एक ऐसे को जानता हूँ, बैन हो गया था। अगर वो बैन नहीं हुआ होता तो आज मेरी जगह पर होता। बैन प्लेयर से क्या करेंगे? नहीं, बैन अभी हटा दिया गया है। ओके, आई विल टॉक टू हिम। गुड लक, ऑल द बेस्ट। चीयर्स। चीयर्स। हाय श्रीराम। हाय अनिल, कैसा है यार? गुड, हाउ आर यू? फाइन। आंध्र टाइगर्स के तुम कैप्टन बन गए। कैप्टन बनना महान बात नहीं है, टीम को टॉप बनाना महानता है। मैं जानता हूं कि तुम बेस्ट प्लेयर हो श्रीराम, सो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम में आकर मेरी तरफ से खेलो। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। आई विल अनाउंस ऑल द न्यू प्लेयर्स नेम्स दैट दे ऑल प्ले फॉर दिस आईपीसी। नेम डेविड, ऑस्ट्रेलिया। Sold, sold, sold. Mm-hmm.
Telegram, India. Once you are on the Tigers. Freedom. Sold. 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 इससे पहले आप इंडियन टीम के कैप्टन थे, अब आईपीसीएल के आंध्रा टीम के लिए आप कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? या मुझे बहुत खुशी हो रही है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। एक नया फ्रेंचाइजी इंडिया टीम में खेले या आईपीएल में हमेशा अच्छा खेलने की सोचता है, एंड बेसिकली आई लव प्लेइंग क्रिकेट, सो मैं सच में बहुत खुश हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग। सर, आपने अपनी टीम में श्रीराम को सेलेक्ट किया है, कोई स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो अच्छा खेलता है इसलिए टीम में है, और सच बताऊं तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, और ये खुशी की बात है कि वो हमारी तरफ से खेल रहा है। इतना काफी होगा, थैंक यू वेरी मच। तुमसे मिलने लॉयर आया है। इस पेपर पर तुम साइन कर दो, फिर बाहर आ जाओगे। आपको किसने भेजा है? तुम्हारा कोई शुभचिंतक है। कौन? तुम जवाब पाना चाहते हो या बाहर आना चाहते हो? मैं भी बाहर आना चाहता हूं। सबूतों के आधार पर वरुण को इस कोर्ट ने निर्दोष पाया, ये कोर्ट उन्हें रिहा करती है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझ पर विश्वास किया। तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचाया है, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। सर नहीं, अंकल कहकर बुलाओ। हम दोनों ने आपके खिलाफ जाके शादी की, मुझे लगा ये सब शायद आपने किया होगा। हम शायद लोगों की नजर में बुरे होते हैं, लेकिन एक बेटी के सामने बाप बच्चे की तरह ही होता है। एनीहाउ, मेरी बेटी तो अब रही नहीं, उसका दिया हुआ गिफ्ट तुम मेरे पास हो। अब चाहे बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारे साथ घर चलो। सॉरी अंकल, वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है, और वो भी बहुत ही बेरहमी से। पता है वो मरने से पहले मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, मैं तो बचपन से अनाथ हूं सर। अनाथ ही रह करके मैं बड़ा हुआ, अनाथ रह के जिंदगी बिताई, वो मुझे एक परिवार देना चाहती थी, लेकिन वरुण तुझसे मिलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की यार, तू कैसा है यार, आईपीसीएल में खेलने का मुझे चांस मिल गया। कांग्रेट्स यार। ये सब कैसे हुआ यार? उसके मरने से पहले उसने मुझे कॉल किया था, वो शायद किसी अजय मिश्रा का नाम बोल रही थी, मैं ट्रैफिक में था इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि दो लोगों को मारा है, मेरी दुनिया मिटा दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके कातिल का पता लगाऊंगा, चानू के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाऊंगा, बदला लेना है मुझे और मैं लेके रहूंगा। तू अपना खेल ध्यान से खेलना, ये हम दोनों का सपना है, तुझे मैदान में इतिहास रचना है। कौन हो तुम? वरुण, जानवी का वरुण। ओ, बैठो। टेल मी, किस काम से आए हो? आखिर जानवी को तुमने मारा क्यों? व्हाट? मैंने जानवी को मारा? पुलिस तो कह रही है कि तुमने मारा है। अगर आपने नहीं मारा तो किसने मारा सर? मुझे क्या पता किसने मारा। आप नहीं जानते, वो मरने से पहले फोन पे आपका ही नाम ले रही थी। व्हाट? मेरा नाम? हाँ, आपके नाम के साथ साथ वो एक नाम और बोल रही थी। दी सर, दीक्षित जी आपसे मिलना चाहते हैं सर। दीक्षित? दीक्षित, ठीक है। ओके सर, भेजो उसे। वरुण, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, हम बाद में बात करते हैं। मुझे आपका इंतजार रहेगा। या श्योर, थैंक यू। हेलो मिश्रा। hey, तूने ही जानवी को मारा है ना? hey, मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आया हूँ, जो मैं कहूंगा तू वो करेगा। जस्ट डू वॉट आई से। Shit.
नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम राधा है, बगल वाली कॉलोनी में रहती हूँ, टीचर की नौकरी करती हूँ मैं। ये मेरी बेटी है अम्मू, दरअसल आपके बेटे से बात करने आई हूँ। अब हमारे बेटे ने क्या कर दिया? अरे नहीं नहीं, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया, श्रीराम तो बहुत अच्छा लड़का है। आइए बैठिए। बैठिए ना। बैठो बेटी। एक्चुअली मेरी बेटी और आपका बेटा एक दूसरे से काफी टाइम से प्यार करते हैं। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी को भी मेरी तरह धोखा ना मिले, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, ताकि वो जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की को उसे खोना ना पड़े। देखिए मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि अपनी बेटी के लिए कहीं और लड़का देखूं, इसलिए अगर आप लोग राजी हैं तो मैं इन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाना चाहूंगी। ठीक है जी, हमें आपकी बात मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। 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 मतलब अब भाभी कहकर बुला सकती हूँ ना? मतलब तुझे सब कुछ पहले से पता था? चलते हैं। हाँ बोलो। भाई को दे रहा हूँ। भाई दीक्षित। भाई ये उतना भी आसान नहीं है। खामोश, मुझे ये तेरी सारी बकवास नहीं सुननी है। तू क्या करेगा मैं नहीं जानता, पैसा फेंक या पैसे देकर लेकर जा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर कोई बीच में आए तो उसे काट डाल, लेकिन जब तू दोबारा कॉल करेगा तो यही बोलना कि काम बन गया, समझा? समझा कि नहीं? आंध्रा टाइगर्स टीम के नए कोच है शांत। देखते ही देखते तुम बहुत बड़े बन गए हो इमरान। अब वो इमरान नहीं रहा जो हिंदुस्तान से आया था। ये सब तो बस आपकी ही दुआ है। सुना है तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है, सिर्फ पैसे पैसे ही कर रहे हो। बचपन से ही मैं इसी कैंप में रह के पला बढ़ा हूँ। आप तो जानते ही हैं, अगर जिहाद के लिए लड़ना है तो पैसों की जरूरत तो होगी ही, इसलिए मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ वो सब जिहाद के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा IPCL प्लान काम कर गया तो हम भारत में हुकूमत कर सकते हैं और हम ताकतवर बन के BCCI को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। हमने जो बीज डाला था वो अब उग चुका है, अब उसकी सिंचाई करनी है तो पैसे चाहिए। आप लोगों में से कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा IPCL में? मैं दूंगा। मैं भी दूंगा। सभी को देना पड़ेगा 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। आप लोगों की ये इन्वेस्टमेंट पौधे को उगने में मदद करेगी और उन्हीं पैसों से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अच्छा बात चेंज किया। रफीक जी भाई, वाइड में 100 CR लगाओ। डन भाई। नो बॉल पे 100 CR लगाओ। ठीक है भाई। Congratulations. Congratulations. क्यों? ये disappointment क्यों? This is the time to cheer. This is the time to celebrate. ये क्या कोच? हम ऐसे ही हार कर बहुत दुखी हैं और आप cheer celebration कह रहे हैं? मैंने कहीं सुना है कि जीतने पर कुछ लोग ही हमसे जुड़ते हैं। बस एक बार हरा कर देखो, ये दुनिया क्या है समझ जाओगे। जीत हमारे अभिमान को बढ़ाती है, लेकिन हार हमें फोकस देती है। अभी जो टीम जीती है वो क्या कर रहे हैं? उस फीलिंग को एंजॉय करते हुए पार्टीज, पब्स, ड्रिंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हारी हुई टीम को क्या करना चाहिए?
प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक छोटे बच्चे को पैर पे खड़े होने के लिए, दौड़ने के लिए बार बार लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, और वो तब तक करता है जब तक वो खड़ा नहीं होता। जिस बेजुबान को आह तक करना नहीं आता, और जब वो हार नहीं मानता, तो हम हार को अपने दिल में बैठा के क्यों उदास हो जाते हैं? हम जीतेंगे सर। जीतना है तो प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक नहीं जीतेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब तक नहीं जीतेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। Because of the climatic conditions and the pitch became so watery, so we have to flatten it a lot and a lot because of the safe house more than that. And IPCL League में Andhra Tigers second stage पे पहुंच गई है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ गले में माला और माथे पे तिलक दिखाई देता है यार। हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो मुस्लिम है तो उसका नाम हिंदू क्यों है यार? और अजय मिश्रा को अपने चंगुल में कैसे फंसा लिया? तेरी बातों से मुझे कुछ डाउट हो रहा है। एक काम करते हैं। सर से मिलना था। अंदर बैठे हैं, जाइए। हाय यंग मैन, बैठो बैठो। क्या डिटेल्स हैं? सर, इसका नाम दीक्षित है। ये दिखने में हिंदू है लेकिन असलियत में नहीं। इतनी भूमिका मत बनाओ, स्ट्रेट बोलो। अगर तुम्हारे हिसाब से सोचूं तो ये कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर लग रहा है। इंक्वायरी करके देखते हैं। आप लोगों को यहां बुलाने का एक ही रीजन है। दीक्षित कौन है ये? वो मिश्रा जी का पार्टनर है सर। नाम सिर्फ मिश्रा जी का है लेकिन सारा पैसा वही लगाता है सर। वो प्लेयर्स के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है सर, लेकिन मैंने देखा है कि वो दो प्लेयर्स के साथ बहुत बातचीत करता है। बहुत समय पहले की बात है सर। बात यह है कि वो दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं सर, नेशनल में बहुत अच्छा खेलते हैं सर, लेकिन ग्राउंड में कोई खास परफॉर्म नहीं करते हैं। दीक्षित कहीं उनको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं लगता सर। अब कोई भी ओनर अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देखना चाहता सर। हाँ सर, ओनर से भी ज्यादा कमाई फिक्सिंग में भी होती है ना। फिक्सिंग हम नहीं जानते हैं सर। विल डू वन थिंग, उन प्लेयर्स का एक और मैच देखेंगे। विल डू आवर इंक्वायरी। तब तक के लिए ये हमारे बीच रहना चाहिए। जी, जी सर, जैसा आप कहें। भाई गाड़ी आ रही है, आप निकलिए भाई। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? एवरीथिंग इज फाइन। उनसे मिल सकता हूँ? ओनली टू मिनट्स, उनके ड्रेसिंग हो रही है, उसके बाद मिल लीजिए। ओके सर। सर, डीसीपी सर को बचाने वाला लड़का यही है। सर बुला रहे हैं। थैंक यू यंग मैन। वाओ सुपर्ब, दैट्स ग्रेट जेस्चर फ्रॉम यू श्रीराम। अगर टीम को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसे बताना चाहिए? एज अ प्लेयर कैप्टन को। अगर कैप्टन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोच को। अगर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो टीम ओनर को, मतलब मुझे बताना चाहिए। अगर डाउट आप पर हो तो? साउंड्स इंटरेस्टिंग। कहानी को तुम लोगों ने बनाया, स्क्रीन प्ले भी तुम लोगों ने बनाया और डायलॉग लेकर सीधा उस डीसीपी के पास सबमिट किया। यू आर लाइक अ मैड डॉग ट्राइंग टू कैच आर नेक।
पागल कुत्ते की तरह हमारा गला दबोच रहा है। हम लोग पागल नहीं है जो तेरे जैसे को टीम में रखेंगे। ए दीक्षित, ए श्रीराम, श्रीराम कूल कूल ब्रदर, कूल ब्रदर। श्रीराम, श्रीराम तुम जाओ, श्रीराम जाओ, जाओ जाओ ना, जाओ जाओ, हम देख लेंगे, जाओ। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। विल कॉल यू। अब क्या करना चाहिए? आई डोंट वॉन्ट हिम इन अ टीम एनी मोर। वो बस क्रिकेट नहीं खेल रहा है, उसे टीम से निकाल दो। अगर इस वक्त टीम से निकाल दोगे तो पूरी मीडिया की नजर उस पर ही रहेगी। इतने अच्छे प्लेयर को सस्पेंड क्यों किया, ऐसा हमसे क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा किया तो हम जिम्मेदार होंगे। अगर हम उसको सस्पेंड कर देंगे तो वो मीडिया से जाकर कुछ कह देगा। यस, ही इज राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर, वो टीम में आएगा लेकिन मैच नहीं खेलेगा। उसको हम बेंच के इस पार नहीं आने देंगे। लेकिन सर, श्रीराम फाइनल में होगा तो? वेल प्लेड गाइस। अरे, तेरे जैसा प्लेयर है या नहीं है बैठकर यही सोच रहा था क्या? अब देखा ना, जिन हाथों से तू सिक्स मारता था वो हाथ कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। पकड़। मैं डीसीपी रविंदर बोल रहा हूँ। बोलिए रविंदर जी। मैडम, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। यस, बताइए। आईपीसीएल आंध्रा टाइगर्स के दो प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। अगर आप परमिशन देंगी तो। वो लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है क्या आपके पास? यस मैडम। ओके, आई विल सी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। तब तक आप किसी तरह का कोई एक्शन मत लीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। हेलो रविंदर जी। मैडम, जो भी प्लेयर्स मैच फिक्सिंग कर रहे हैं उनके बारे में मीडिया को बताइए और उन्हें अरेस्ट कीजिए। हमारे हाथ में जो टीम है वो फाइनल में है। अब तक आप लोगों को कितना प्रॉफिट मिल चुका है? 100 करोड़। 100 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़। इस फाइनल में हमें 10,000 करोड़ चाहिए। क्या बोल रहे भाई? इंशाल्लाह। इतना पैसा इमरान? हाँ, 10,000 करोड़ चाहिए। और तो और, हम जो आईपीसीएल से कमाएंगे उसे पूरे इंडिया में आईपीएल करप्टेड है बोल करके सारे वीडियोस को वायरल कर डालेंगे और उसकी वजह से स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा और फिर क्रिकेट के नाम से सिर्फ पाकिस्तान ही याद रह जाएगा। टाइगर्स वर्सेस चेन्नई फाइनल्स में चेन्नई ने टॉस जीतकर बैटिंग हासिल की है और इस मैच में आंध्रा टाइगर्स ने फिर से श्रीराम को लिया है। अनिल, अनिल, व्हाट इज दिस? श्रीराम को फिर से टीम में क्यों लिया? तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो। बोलूंगा तो क्या कर लोगे? हाँ, नेट्स के अंदर मैं आपकी बात सुनूंगा बिकॉज यू आर माई बॉस, लेकिन ग्राउंड के अंदर सारे प्लेयर्स मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं टीम का कप्तान हूँ, समझ गए? ए अनिल, ए अनिल, अनिल। क्या बात है कोच साहब, बहुत गुस्से में लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। सॉरी, शेख अब्दुल खान अलियास सलीमुर रहमान। सलीमुर रहमान यानी तुम सिर्फ 5 साल पहले अलकायदा ही नहीं बल्कि सभी आतंकवादी संगठनों से इन्फ्लुएंस होकर एक स्लीपर सेल बनाया और पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत माता के सीने पर हमला करने के लिए तुम सबने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया और यहाँ आकर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आज यहाँ तुम एक कोच बन गए। 26/11 मुंबई में ताज अटैक,
कश्मीर में पुलवामा, हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क में ब्लास्ट, इन सब में तुम्हारा हाथ है। इस आंधा टाइगर्स को हराकर, पाकिस्तान को जिताकर उन पैसों से भारत में तबाही मचाना चाहते हो। तेरा वो भाई इमरान और तू भी, जानवी को मारने वाला भी तू है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो डॉक्टर अंकल, मेरी रिपोर्ट्स आई क्या? ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? वही तो बताने आया हूं। तुम तो दीक्षित के आदमी हो ना? मैं किसी का आदमी नहीं हूं। I am the godfather! जो तुमने देखा पूरी तरह से भूलना होगा या मरना होगा। वो मासूम थी, बेवजह उसे मार डाला। पब्लिक तेरे बारे में सुनेगी तो वो कुछ और नहीं करेगी बल्कि जान से मार देगी तुझे। हमारे ऊपर तो यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी है, सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं, समझे? चलिए सर, समय हो गया है, मैच शुरू होने वाला है। है ना? मैच देखकर और इंडियन क्रिकेट क्या है इस हरामी को दिखाकर उसके बाद इसे ले जाएंगे। All the best. वेलकम सलीम, वेलकम टू योर डेथ स्पॉट। आज तेरी मौत यहीं होगी। इमरान, अरे एक बॉल बिल्कुल ड्राइव करके छक्का मार रहा है। हाँ। बिल्कुल तू जो कर रहा है वो गलत है, और एक गलती को छुपाने के लिए तूने कई गलतियां की। तुझ में रहम नहीं है क्या? तूने मेरी बीवी के साथ उसके कोख में पल रहे बच्चे को भी मार दिया, मेरी जानू को छीन लिया। बहुत गलत किया तूने। Oh!
सिसु ने जो भी किया ना वो नहीं करना चाहिए था। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करो। बॉर्डर के इस पार की धरती हमारी भारत माता है और यहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी भारतीय है और तू इस धरती को कब्रिस्तान बनाना चाहता था। फाइनल मैच में क्या हुआ पता लगाओ क्विक। ओके जनाब, जनाब फाइनल मैच में हम बुरी तरह से हार गए हैं जनाब। शिट, कमीना कहीं का, पूरे पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे जमीन पर नहीं होना चाहिए। भाई हम मैच हार गए और हमारा सारा पैसा डूब चुका है, वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं भाई। कुछ स्वार्थी लोग हमारे क्रिकेट को हराना चाहते थे, इस कोशिश में उनके पास जितना था उन्होंने वो भी खो दिया। जो भी हमारे देश भारत से टकराएगा उन्हें जवाब देने की हिम्मत हमारे पास है, हम लड़ना जानते हैं, फिर चाहे वो युद्ध हो या खेल का मैदान। जय हिंद।